हेलो, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ नेमत और आप देख रहे हैं नेमत डॉट खाना। आज मैं आपके साथ मटन दो प्याज़ा का एक बहुत ही आसान सा तरीका शेयर कर रही हूँ, तो आप इसे देखें और अगर ये इंटरेस्टिंग लगे तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन ऑन रखें ताकि आपको हमारे अपडेट्स वक्त से मिल जाएं। तो प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं। मटन दो प्याज़ा बनाने के लिए आइए अपने इंग्रेडिएंट्स पे एक नज़र डालें। मैंने सारे मसालों को एक जगह इकट्ठा किया है, तो आप नोट कर लें इसके मेज़रमेंट को। ये 1/2 kg फ्रोज़न गोट मीट है। कोशिश करें कि आप इसे फ्रेश मीट से बनाएं, क्योंकि फ्रेश मीट से बना हुआ गोश्त ज़्यादा टेंडर और जूसी होता है। 1/2 kg प्याज है, जो कि दो तरीके से कटा हुआ है। एक मोटे मोटे टुकड़ों में है और एक ये मैंने बड़े चंक्स उसके निकाले हैं, तो इसी दो तरीके से ये गोश्त में इसको जाना है। और दो प्याज़ा मटन के बारे में ये कहा जाता है कि दो तरीके से उसमें प्याज यूज़ होता है। कुछ लोग इसे कैरेमलाइज करके भी डालते हैं, मगर यहाँ मैं इसे इसी तरह से यूज़ करूँगी, जिसे आप आगे देखेंगे। मसालों में ये सारे रेगुलर मीट मसाले मैंने यूज़ किया है, जिसमें 1 teaspoon कोरिएंडर पाउडर है, 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर है, 1/2 teaspoon टर्मरिक पाउडर, 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, ये मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है, और मैं कोशिश करूँगी कि इसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, अगर आप चाहें तो इसे देख लेना। 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट है। इसमें मैंने वो टेबल स्पून यूज़ किया है जिससे आमतौर से गोश्त सर्व किया जाता है। ये कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें हरी इलायची, काली इलायची, दारचीनी और 1/4 स्टार एनिस है। इसमें मैंने काली मिर्च, ज़ीरा वगैरह छोटे मसाले नहीं यूज़ किए हैं, क्योंकि इसे घी में इन्फ्यूज़ करने के बाद निकाला जा सकता है। 1/2 teaspoon ज़ीरा पाउडर और 1/4 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर है। साथ ही ज़ायक़े के मुताबिक नमक, मैंने 1 teaspoon नमक लिया है। 125 ml मस्टर्ड ऑयल है। आप चाहें तो इसे कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। अब इन सारे मसालों को गोश्त में डालें। कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में ज़ीरा और ब्लैक पेपर पाउडर। अब मोटे टुकड़ों में कटी हुई प्याज डाल दें। यहाँ प्याज के ये मोटे टुकड़े ही जाएंगे, इनमें थिनली स्लाइस्ड अनियन नहीं जाएगा, क्योंकि इन मोटे टुकड़ों में नमी ज़्यादा होती है और इस नमी से ही गोश्त को गलना है। ज़्यादा पतले स्लाइसेस जल्दी एवेपोरेट हो जाएंगे तो गोश्त नहीं गलेगा और हमें बाहर से पानी यूज़ करना होगा। तेल डाल दें। अभी मैंने थोड़ा सा तेल बचा लिया है और ज़ायके के हिसाब से नमक डाल दें। अब इन सारे मसालों को खूब अच्छी तरह से मसल मसल कर मिला लें और 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। मैंने सारे मसालों को खूब अच्छी तरह मसल मसल कर मिला लिया है। अब आप इसे ढककर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। एक कुकर गरम करें और उसमें लगभग 1 tablespoon घी डालें। अब जो इलायची मैंने इकट्ठा किया था उसका मुंह खोल लें, ताकि घी में अच्छी तरह इसकी खुशबू इन्फ्यूज़ कर जाए, और इसे घी में डालकर थोड़ा सा चटकाएं।
अब मैरिनेटेड गोश्त को इसके ऊपर डालें। देखिए कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। घी और गरम मसालों की बहुत ही सौंधी सी खुशबू आ रही है। अब इसे तेज़ फ्लेम पर इतनी देर तक रखें कि थोड़ा पानी निकल आए। उसके बाद इसे धीमे फ्लेम पर प्रेशर कुक करें। गोश्त में जोश आ गया है, इसे थोड़ा चलाकर पलट लें। यहाँ पर एक टिप याद रखें कि मैंने कहा था बाहर से पानी यूज़ नहीं करना है। ऐसा तब मुमकिन होता है जब गोश्त ज़्यादा क्वांटिटी में हो। अगर हाफ के जी या उससे कम गोश्त हो तो थोड़ा बहुत पानी बाहर से मिलाना होता है, तो इसमें आप हाफ कप पानी मिला लें। एहतियातन थोड़ा सा पानी डाल लें। मैंने हाफ कप पानी डाला है। अब इसे प्रेशर कुक करें। 12 मिनट प्रेशर कुक करने के बाद मैंने इसे एक खुले मुंह की कढ़ाई में पलट दिया है ताकि आप इसे देख सकें। गोश्त अच्छी तरह से गल गया है, इसमें अभी पानी है तो थोड़ा सा पानी सूखने दें, उसके बाद आगे के प्रोसेस देखेंगे। गोश्त का पानी अब सूख रहा है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये हमारा मटन दो प्याज़ा गला है। अब आप इसमें वो जो मैंने प्याज के चंक्स काट कर रखे थे वो मिला लें और इसे 2 मिनट तक ढक कर गलाएं। इसे ज़्यादा नहीं गलाना है, इसके क्रिस्पनेस को कायम रखना है, मगर इसे थोड़ी देर तक आप ढक कर गलाएं। तीन चार मिनट बाद मैंने ढक्कन खोला है और गोश्त बहुत अच्छी तरह से भुना जा रहा है। इसके सरफेस पे तेल भी आ रहा है, देखिए, और बहुत ही अच्छी सी खुशबू से मेरा पूरा किचन भरा हुआ है। यहाँ पर आप इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दें, और अगर कसूरी मेथी नहीं है तो उसे छोड़ दें। इसे अच्छी तरह से मिला लें और 1-2 मिनट के लिए इसे फिर से ढक दें ताकि सभी खुशबू आपस में मिल जाए। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और इसका टेक्सचर बहुत ही शानदार हुआ है। इसे आप अपने नान और चपाती के साथ बहुत ही मज़े से खा सकते हैं। देखिए तेल इसके सरफेस पे आ चुका है। मैंने इसमें खड़े गरम मसाले डाले हैं जो कि निकाले जा सकते हैं, तो आप चाहें तो इसे चुनकर अलग कर दें ताकि बच्चों के मुंह में ये ना आए। देखिए ये गोश्त कितना लजीज हुआ है। इसे आप अलग कर दें। मटन दो प्याज़ा रेडी है। देखिए ये कितना लाजवाब और कितना वेलवेटी टेक्सचर वाला इसका ग्रेवी हुआ है। आप इसे चपाती, नान और ब्रेड के साथ बहुत ही आराम से खा सकते हैं, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये काफ़ी आसान से रेसिपी है, आपने देखा ही होगा कि एक साथ मैंने इसे सब कुछ मिला कर चढ़ा दिया है, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखिए मटन दो प्याज़ा कितनी अच्छी तरह से बनकर, ये क्रीमी सी इसकी ग्रेवी है और कितने आसानी से ये बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी बनाएं, खाएं और खिलाएं, लोगों के साथ इसे शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। ये मज़ेदार सी ग्रेवी जो कि नान, रोटी, चपाती, शीरमाल सबके साथ बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप भी इसे ट्राई करें।
और पूरे घर भर के साथ अपना वीकेंड एंजॉय करें। इसकी ग्रेवी का टेस्ट थोड़ा मिठास लिए हुए होता है क्योंकि ये मोस्टली प्याज पर बेस ग्रेवी है, तो आप ट्राई करने से पहले इसके टेस्ट और टेक्सचर के बारे में अंदाज़ा कर लें। इसके मसाले का स्वाद बिल्कुल रेस्टोरेंट के मसालों जैसा है, तो अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो फिर आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। ये इतना ज़्यादा डिलीशियस है। थैंक यू।